राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण शिविर कल संपन्न हो गया। कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह शामिल हुए। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि आरएसएस के द्वितीय वर्ष प्रशिक्षण शिविर में देश के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में स्वयंसेवकों की भूमिका पर चर्चा की गई। देश के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में एक स्वयंसेवक की भूमिका क्या होगी, उस विषय पर चर्चा बातचीत हुई। स्वयंसेवक वो सारे लोग जो कहीं ना कहीं वैचारिक रूप से जुड़े हुए हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में आज पहली बार इस शिविर के समापन के अवसर में राजनीति क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को भी बुलाया गया। करीब 20 दिनों तक चले इस प्रशिक्षण शिविर में मध्य क्षेत्र के चार प्रांतों के लगभग 450 स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया। शिविर में स्वयंसेवकों को कठिन दिनचर्या के साथ शारीरिक और बौद्धिक स्तर पर प्रशिक्षण दिया गया।